अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब लोग कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ। तो चलिए जी, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ कढ़ी और चावल। कढ़ी और चावल की रेसिपी किसको नहीं पसंद होती है? सबको पसंद होती है, लेकिन जिस तरीके से मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ वो ये तरीका है। मैंने जो है लहसुन को कूटा है, थोड़ा सा बेसन डाला है, अब मैं इसमें दही डाल के इसको फेंटूंगी। कढ़ी जो है मैंने चढ़ा ली है, इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन अजवाइन और थोड़ा हल्का सा गरम मसाला। अजवाइन मैंने इसीलिए डाली है क्योंकि ये ठंडी होती है और जो है आजकल ठंडा मौसम भी है और जो है बादी के लिए भी ये सही होती है। अजवाइन बादी हो जाती है किस किस लोगों को, पेट में गैस वगैरह, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है अजवाइन। तो अजवाइन ज़रूर डाला करें। चले जी, कढ़ी तो हो जाएगी तैयार। ये मैंने कल का फेस पैक जो लगाया हुआ था ये मैंने नहीं अप्लाई किया था। चले जी, अब इसको अप्लाई करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पैच दिखाऊंगी अपनी स्किन का, उसके बाद मैं बिफोर एंड आफ्टर का आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कैमरा शायद अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा, ये आप देखें, ओपन पोर्स देखें। चलिए जी, अब इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, एप्लीकेशन मैंने कर ली है, अब देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर का। स्किन देखिए कितनी अच्छी सी स्मूथ हो गई माशाल्लाह से। जाहिर है टाइम तो लगेगा इस रेमेडी को क्योंकि ये नेचुरल रेमेडी है और आपने इसको डेली यूज़ करें तो डेली यूज़ करें, और डेली नहीं यूज़ करते सकते तो आप इसको हफ्ते में दो तीन दफ़ा तो यूज़ करें ही करें। और जो है अब कढ़ी जो है मेरी बनने वाली है, कढ़ी की ऐसी ख़ास रेसिपी नहीं थी। अब मैं इसमें पकोड़े तल के डालूंगी। और चले जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।